यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक मटेरियल गुड्स ऑफ टू वेराइटीज, प्रिपेयर द प्लास्टिक गुड्स अकाउंट एंड फाइंड द प्रॉफिट और लॉस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी वेराइटी। दो वेराइटी दी है, ठीक है। इन्होंने बताया फैक्ट्री ओवरहेड है 60% ऑफ वेजेस एंड ऑफिस ओवरहेड 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इज 3 रुपीज पर एलवीज एंड द वेस्टेज इन द प्रोसेस इज 5%। देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस। तो बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है ये, तो हम इसको कॉस्ट शीट से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ वर्ड यूज हुआ है अकाउंट, यहाँ वर्ड यूज हुआ है अकाउंट, तो फिर मुझे अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लिखें प्लास्टिक गुड्स प्रोडक्शन अकाउंट। क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट देखिए, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कितना है, इसके लिए आप वेस्टेज से पता कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हम पहले वैरायटी वन का बना रहे हैं। चलिए, रॉ मटेरियल कितना होगा, इसके लिए हम देखते हैं हमारा फिनिश गुड्स कितना है। वो हमारा 1216 एंड वेस्टेज कितनी है, वेस्टेज है 5%, तो ये कितना होगा 95% होगा। तो जो रॉ मटेरियल होगा वो कितना होगा, 1216 डिवाइडेड बाय 95% यानी कि 1280। ये जो 1216 बचा है ये वेस्टेज के बाद है, और ये 3 रुपए से है तो ये 3840 हुआ, ठीक है ना। अब इसमें देखें और जो खर्चे थे हमारे, वेजेस जो थे, वेजेस थी हमारी 2560, फैक्ट्री ओवरहेड्स 60% ऑफ 2560 तो 1536। यहां तक का टोटल जो होगा ये क्या लाएगा हमारा, फैक्ट्री कॉस्ट दैट इज 7936। इसमें अब ऑफिस ओवरहेड जोड़े, ऑफिस ओवरहेड कितने हैं, 25% ऑफ 7936 तो यह आएगा 1984, ठीक है। यह है 9920, यह है 9920, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई हमारी 9920। हम यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
9920 सेल्स हमें दी हुई है 14880 तो ये आई हमारी 4960 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेम कैटेगरी में हम दूसरा बना देंगे। अब दूसरा हम थोड़ा जल्दी बना देंगे, आप समझ गए। तो प्रोडक्शन अकाउंट प्लास्टिक, ये हम बात कर रहे हैं वैरायटी टू की। क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट, रॉ मटेरियल 684 डिवाइडेड बाय 90% 720, वेस्टेज 36 3% सॉरी 5%, वेजेस जो थी हमारी वो कितनी है देखें, दूसरे में वेजेस थी 1840, फैक्ट्री ओवरहेड्स 1840 का 60% 1104, फैक्ट्री कॉस्ट 5104, ऐड करें ऑफिस ओवरहेड्स 510 का 25% 1276, ये हमारी टोटल आई 6380 6380 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 684 का 6380 यहां पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6380। सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स हमारा कितना है देखें 10208, तो प्रॉफिट आया 3828। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा था आपसे, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड प्रॉफिट एंड लॉस पर यूनिट पूछा है। चलिए तो इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं। प्रॉफिट पर यूनिट 4960 अपॉन 1280। ठीक है, सॉरी 4960 अपॉन 1216। दूसरा है इसका प्रॉफिट पर यूनिट 3828 डिवाइडेड बाय 684। चलिए तो ये आया मेरा 4.08 और इसका आया मेरा 5.60। ठीक है फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक सो कि इसमें और कोई चीज पूछी गई थी, नहीं कोई और चीज नहीं थी। तो यही हमारा क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच। नो, गड़बड़ हो गई यहां पर, ये प्रॉफिट पर यूनिट ऐसे नहीं निकलेगा। 4960 में इन्होंने बोले थे कि जो फिनिश गुड्स तैयार हुआ है वो 2480 हुआ था, गलती हो गई थी ना, तो ये 2 रुपीज पर यूनिट। और ऐसे ही इसमें 4938 में
हमारे जो प्रोडक्ट तैयार हुए थे वो 3.276 हुए थे। ये देखो लिखा है क्वेश्चन में, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, जो 1.216 था वो तो हमारा वजन था, वजन से नहीं होता है, नंबर ऑफ यूनिट से होता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्टिंग था, एस्ट्रिक लगा रहा हूं मैं, ठीक है, ट्विस्टिंग था यहां पर। थैंक यू वेरी मच।